Hello friends, welcome to Medical World. Today I am going to discuss with you blood and properties of blood. Blood, जिसको हम बहुत से नामों से जानते हैं या हम कहेंगे इसके बहुत सारे synonyms हैं, blood को हम river of life भी कह सकते हैं, river of life या red river of life, red river of life या हम blood को life series कहेंगे, life series। blood को हम river of life कहेंगे, रेड रिवर ऑफ लाइफ कहेंगे या लाइफ सीरीज कहेंगे। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हम कहेंगे साइनोनियम्स ही है इसके। फर्स्ट साइनोनियम हम डिस्कस करेंगे, इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों हम इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं? हम इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जो होता है, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है, ये ब्लड ही है जो ट्रांसपोर्ट करता है इस ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि कैरी करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे जो बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स तक, ये ब्लड ही का वर्क होता है। ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक, ये ब्लड ही कैरी करता है। इसके बाद हम कहेंगे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, ब्लड इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। क्यों हम इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहेंगे? क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिटिव सबस्टेंस होते हैं, न्यूट्रिटिव सबस्टेंस जो होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में और हॉर्मोन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में और हॉर्मोन्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये ब्लड ही है जो उनको ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ तक, ताकि टिश्यूज़ का ग्रोथ हो जाए, टिश्यूज़ की डेवलपमेंट हो जाए, टिश्यूज़ की ग्रोथ यानी कि वो बढ़ जाए। इसीलिए हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कह सकते हैं। इसके बाद हम कहेंगे जो ब्लड है उसको हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहेंगे। इसलिए फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहेंगे, हमें प्रोटेक्ट करता है, ब्लड प्रोटेक्ट करता है हमें, प्रोटेक्ट्स द बॉडी, प्रोटेक्ट्स हमारी बॉडी को, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीज़ जो हमारी डिजीज़, फॉर एग्जांपल डिस्टेंसी डिजीज़ जो होती है वो ब्लड की वजह से होती है। ये प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो हेल्थ हो वो एफिशिएंट हो, उसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो, उसमें कोई डिजीज़ ना हो। ये ब्लड ही है जो प्रोटेक्ट करता है, देयरफॉर इसको हम फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारे बॉडीज़ में वेस्ट मटेरियल्स जो बनते हैं प्लस जो अनवांटेड सबस्टेंसेस बनते हैं, ब्लड ही है जो उन वेस्ट मटेरियल्स और सबस्टेंसेस को, अनवांटेड सबस्टेंस को रिमूव करता है बॉडी से, ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है इन चीज़ों को
transporting them into excretory organs. Organs tak, like kidney, ताकि ये वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए. किडनी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. इसको हम रिवर ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं. और हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स है ये रिमूव करता है, ब्लड ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक उनको पहुंचाता है ताकि वो हमारी बॉडी से रिड ऑफ हो सके. अब ब्लड को, ब्लड जो होता है उस, वो मीजोडर्म, उसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म होता है. मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू. मैंने पहले ही कहा जो हमारी लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड, या कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी पार्ट्स में होता है वो लंग्स तक पहुंचता है through this blood. Therefore, it's a connective tissue. इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कलर. इसका जो कलर होता है वो रेड होता है. ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. ये रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है, इसी की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है. इसमें हीम प्रेजेंट होता है जो रेड इन कलर होता है. इसके बाद हमारी बॉडीज़ में जो वेसल्स होते हैं वहाँ पे दो तरह के ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स उनके होते हैं, एट्रियल ब्लड वेसल्स और वीनस ब्लड वेसल्स. एट्रियल ब्लड वेसल्स में स्केलेट, स्केलेट ब्लड कलर होता है, ब्लड कलर होता है. स्केलेट रेड ब्लड कलर, दैट मीन्स ब्राइट, ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड कलर होता है. ये क्यों ब्राइट होता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन जो होता है वो, उसकी जो मिकदार होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है. और वीनस ब्लड, इसके बाद हम वीनस ब्लड वेसल की बात करेंगे. वीनस ब्लड वेसल्स में पर्पल कलर का ब्लड होता है, पर्पल, पर्पल रेड ब्लड वीनस ब्लड वेसल में होता है. ये इसलिए पर्पल कलर का होता है बिकॉज इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर होती है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड. वॉल्यूम जो होता है एक अडल्ट में जो वॉल्यूम हो, ये डिफ़र करता है वॉल्यूम मेल्स एंड फीमेल्स में. हम अडल्ट्स की बात करेंगे, अडल्ट्स की बात करेंगे, एवरेज अडल्ट्स की बात करेंगे, 5 लीटर्स होता है. और कहते हैं मेल्स में ज़्यादा ब्लड होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स. अगर हम बात करें कि कितना होता है, ये 4.5 लीटर होता है. दैट मीन्स हाफ लीटर कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स.
बिकॉज़ फीमेल्स में एक पीरियड आता है जिसको हम मेनस्ट्रुएशन कहते हैं, देयर फॉर एवरेज हम कहेंगे एडल्ट्स में 5 लीटर होता है और फीमेल्स में 4.5 लीटर्स होता है। पीएच की जो हम बात, पीएच की जो तीसरी प्रॉपर्टी वो पीएच है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिससे हम मेजर या डिनोट करते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं विच आयन इज़ एसिडिक या ब्लड एसिडिक है या बेसिक, और इसका जो एवरेज कहते हैं स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 7.4 इसका पीएच होता है। अगर हम नेपियर स्केल देखेंगे, 7 को हम न्यूट्रल कहेंगे, 7 से ज़्यादा मींस बेसिक और 7 से लेस जिसको हम एसिडिक कहेंगे। हमारा जो ब्लड का पीएच वो 7.4 आता है, दैट मीन्स स्लाइटली बेसिक इन नेचर। इसके बाद हम विस्कोसिटी की बात करेंगे, दैट मीन्स थिकनेस या गाढ़ापन। हम कहेंगे इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द वाटर, थिकनेस इज मैक्सिमम थिकनेस ऑफ ब्लड इज मोर, दैट मीन्स फाइव टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू वाटर, दैट मीन्स वाटर। ये थिकनेस किन चीज़ों की वजह से होती है? ये रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है, थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है। थैंक्स।